प्रेम क्या है बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है, क्या है इसका वास्तविक स्वरूप, क्या है इसका भविष्य। आप तो हमारे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, इस प्रेम ज्ञान से हमें प्रबुद्ध करना भी तो आपका दायित्व है। बताइए महादेव, प्रेम क्या है, ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती, तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं था। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार। यही तो प्रेम है पार्वती, तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकी पन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है। किंतु ये हमारे प्रेम का पहला चरण था जिसमें ना केवल तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का बोध हुआ बल्कि मुझे मेरी तपस्या द्वारा मेरी अपूर्णता, मेरी भूल का आभास हो सका, मेरा परिचय उन भावनाओं से हुआ जो मेरे अंदर विद्यमान थी किंतु मैं उनसे अनभिज्ञ था। असीम पीड़ा और कष्ट देने वाले इस जन्म की पूर्णता अनिवार्य थी ताकि हमारे प्रेम का दूसरा चरण आरंभ हो सके जो इससे कहीं अधिक सुख, संपूर्णता, संतोष की अनुभूति करवाएगा। भविष्य में तुम अपने स्वरूप की विविधता से प्रेम के नए नए रूप परिभाषित करोगी। कौन से स्वरूप महादेव, कृपया उनका उल्लेख कीजिए। जब जब अन्नपूर्णा के स्वरूप में तुम मेरी शुदा को बिना किसी प्रतिबंध के शांत करोगे या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करोगे तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। तुम्हारे सौम्य और सलज गौरी रूप में जब मैं हर प्रकार के अपने अधिकार तुम पे व्यक्त करूंगा और तुम उन अधिकारों की मान्यता दोगे, मुझे विश्वास दिलाती रहोगी कि मेरे सिवाय इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम मनोरंजन हेतु चौसर में मुझे पराजित करोगी तो भी विजय मेरी ही होगी क्योंकि
क्योंकि उस क्षण तुम्हारे मुख पे आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास दिलाई। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का आभास होगा, यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुम अपने अस्त्र वाहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में मुझे संरक्षित कर सशस्त्र बनाओगी तो वह अनुभूति प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम काली के रूप में संहार का नृत्य करते हो मेरे शरीर पे अपने पांव रखोगी और तुम्हें भूल का आभास होगा और तुम्हारे जीव का बाहर निकल, वही प्रेम है पार्वती। जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास दिलाओगी कि मैं तुम्हारे योग्य हूं, जब तुम मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लोगे, वही तो प्रेम होगा पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं? एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे, बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो उससे उसकी स्वतंत्रता कैसे छीन सकती हो? प्रेम का पर्याय है विश्वास। यदि तुम व्यक्ति पर विश्वास करती हो तो तुम्हें उसकी स्वतंत्र इच्छा पर भी विश्वास करना चाहिए। तुमने आराध्य प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो सब किया जो प्रेम नहीं अपितु प्रेम के विरुद्ध है, विपरीत है, नियंत्रण, वर्चस्व, पूर्ण अधिकार और नियमबद्धता, ये सभी लक्षण प्रेम के नहीं है अपितु प्रेम के अभाव के हैं। के उचित अर्थ की जागरूकता ना होने का है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कुछ आवश्यक ही नहीं होता है।